कटनी के ग्राम पंचायत कैलवार खुर्द की सरपंच माधुरी पाठक के पति भूरा पाठक द्वारा सन 2018 से ग्राम के सरकारी स्कूल में कब्जा कर 5 दुकानों का निर्माण किया गया, जिसमें की 3 दुकान है कैलवारा खुर्द माध्यमिक शाला तथा 2 दुकान ग्राम पंचायत भवन के पास अवैध रूप से निर्मित करवाई गई थी, जिसकी पूर्व में भी सूर्यकांत कुशवाहा व सुरेंद्र मोहन मिश्रा के साथ विनोद बड़गैया द्वारा जिला प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके थे और कई बार इस अवैध बनी दुकानों को लेकर ग्रामवासियों के साथ धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया था। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को हटाने की जहमत नहीं उठाई। तदुपरांत सुरेंद्र मोहन मिश्रा, श्रीकांत दुबे, विनोद बड़गैया और सूर्यकांत कुशवाहा द्वारा उच्च न्यायालय की शरण ली गई और हाई कोर्ट के आदेश पारित होने के बाद आज दिनांक को ग्राम के सरपंच माधुरी पाठक के पति भूरा पाठक द्वारा अवैध रूप से निर्मित 5 दुकानों पर जिला प्रशासन ने जेसीबी चलाकर जमींदोज कर दिया। सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को कहां कहां तोड़ा गया है, किस मात्रा में, कैसा अतिक्रमण था? हाँ, ग्राम कैलवारा खुर्द में पंचायत परिसर में और वहां स्कूल परिसर में 5 दुकानों का निर्माण किया गया था अवैध रूप से, उनको तोड़ा गया सरकारी मशीनरी द्वारा। इसके बाद आगे मैं जाता हूँ, बाईपास में एक अवैध रूप से ढाबे का निर्माण किया गया था, वहीं पर आगे थोड़ी देर खरखरी मोड़ पे बाईपास के पास ही लगभग कुछ छोटे छोटे ढाबों का दुकानों का निर्माण किया गया था, वहां भी एक स्कूल था। स्कूल परिसर में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वहां से सभ्य लोग निकल नहीं पा रहे शाम के बाद, वहां पर असामाजिक तत्वों का जामबाड़ा बन चुका था, अवैध रूप से शराब का विक्रय किया जा रहा था, आम आदमी का आना जाना ग्रामीण वासियों उधर काफी असहज हो रहा था, लगातार शिकायतें मिल रही थी। उनको विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया न्यायालय में नोटिस जारी करके, एक सप्ताह पूर्व गिराने से पूर्व नोटिस जारी की गई विधिवत, आज दिनांक को वहां पर मौके पर गिराया गया, हटाया गया। सरकारी जमीन तो जिसको मुक्त कराया गया है उसकी लगभग कीमत क्या होगी, करोड़ों में तो चूंकि कीमती जमीन टोटल लगभग बाईपास और मौके की जमीन थी, टोटल कीमत लोग अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख है जो पूरी गिराई गई टोटल आज की कार्रवाई। किन लोगों के द्वारा कब्जे? कुछ लोग थे वहां पर स्थानीय लोग थे, कुछ लोग थे बाहर से लोग आए हुए थे वहां पर अस्थायी रूप से निवास कर रहे थे और विभिन्न गतिविधियों में लिप्त होकर वहां से अपना सब अवैध कारोबार संचालित कर रहे थे, ऐसे लोग थे। ऐसी जानकारी है कि जो कैलवारा कला में दुकानें बनाई गई थी वो पूर्व सरपंच के द्वारा बनाई गई थी? ऐसी जानकारी आई है पूर्व सरपंच, सरपंच नहीं है, सरपंच जी के पति जी के द्वारा बनाई गई थी, ऐसी जानकारी में आया है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।